नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UP SSSC से। अभी अभी एक थोड़ी देर पहले नोटिस जारी हुई है, और अभी हम थोड़ी देर बाद, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपसे भी कहा था कि आज 9 बजे के आसपास तक एक बार कोर्ट केस को लेकर की जितनी भी बातें हैं उसको आपको बताएंगे। जो भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे चयनित ANM बने हो या फिर जो चयनित नहीं हो पाए थे, जिनके ये आरोप है कि ज़्यादा हमारे अंक हैं, सब कुछ हमारा सही, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ सही है, उसके बावजूद हमारा चयन क्यों नहीं हुआ, तो उस पर बात करेंगे लेकर के 9 बजे के आसपास तक। और अभी यहाँ पर UP SSSC से जो नई नई नोटिस जारी हुई है, यह नोटिस एक पुरानी भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की, वन पाल की, और इसकी जो है परीक्षा होने जा रही है 21 अगस्त को। तो क्या इस परीक्षा की वजह से ANM की ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लगेगा? इतना तो बिल्कुल आप लोग देख चुके हैं कि आपका जो रिजल्ट आने वाला था, लेखपाल की परीक्षा जब तक हो नहीं गई तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। इसी तरह से ये परीक्षा है 21 अगस्त को, तो आप मान के चलें कि 21 अगस्त तक जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और हो सकता है कि प्रक्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं, आयोग ऐसा नहीं कि जितने भी कार्य हो चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, बाकी कार्यों के आयोग से चलते रहेंगे, बाकी परीक्षाएं अपने सेंटर पर करवाते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से आयोग के ऊपर है। और जिस प्रकार से लेखपाल की परीक्षा में धांधली की शिकायतें या धांधली की जो फर्जीवाड़ा की चीज़ें देखने को मिली थी, इस बार जो है फॉरेस्ट गार्ड वाले में परीक्षा केंद्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। जहाँ पर पहले परीक्षा केंद्र होते थे वहाँ पर परीक्षा केंद्र ही नहीं दिया गया, और जहाँ पर UP SSSC परीक्षा केंद्र नहीं बनाते थे कभी, मान लीजिए PET का छोड़ दीजिए, उसमें तो परीक्षा केंद्र हर जिले में बनाए गए थे लगभग, नहीं तो आमतौर पर कुछ ही जिलों में UP SSSC परीक्षा केंद्र बनाते हैं बार बार, लेकिन इस बार उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सालवर गैंग वगैरह सबसे जो जो भी चीज़ें हैं, जैसे प्रयागराज जिला आप ले लीजिए, अब किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कुछ ऐसे जिले जहाँ पर उनको परीक्षा केंद्र ही नहीं बनाया गया, जबकि ऐसा संभव ही नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ है इस बार। अभी दिखाएंगे आपको नोटिस, और जितने भी हमारे ANM बहने हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, आप सभी को बता दें कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, जो भी चीज़ें हैं ना, सबको अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। जिनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम रोल नंबर होना चाहिए था, लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग है वो समय पर होगी। अब उसमें जितना भी समय आयोग की तरफ से लगे, और ज्वाइनिंग आपकी जो वापस क्या है, आपकी जो फाइल आपकी आगे भेजनी है, और आपके स्वास्थ्य विभाग से आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो सब चीज़ें कराई जाएंगी, उसमें एक बार फिर से जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सबमिट होते हैं वहाँ पर, और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से आपके जो वेतन है, आपकी जो नौकरी नियुक्ति है वो स्टार्ट मानी जाती है आपकी जॉब। एक बार 9 बजे वाला सेशन आप सभी जरूर देख लीजिएगा। ANM के लिए हम बात करेंगे, उसमें सभी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, कोर्ट केस और जितने भी हमारे ANM बहने चयनित थे, चाहे विदाउट प्रोविजनल वाले हों, प्रोविजनल वाले हों, विदहेल्ड वाले हों, या फिर जिनका चयन नहीं हो पाया, सबको लेकर के बात करेंगे। आइए यहाँ पर देख लेते हैं नोटिस को। फॉरेस्ट गार्ड के लिए फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। ये भर्ती पुरानी है, 2019 की भर्ती है, आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2019। ये नोटिस अभी भी जारी हुई है 11 अगस्त 2019 की। वन रक्षक वन्य जीव रक्षक, इसमें एक ही परीक्षा होनी है। PET से इसका कोई मतलब नहीं था, PET से बहुत पहले के ये विज्ञापन है, और इसका इसकी परीक्षा पहले भी होनी थी लेकिन हो नहीं पा रही थी। और हमने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि आपकी जो परीक्षा है 21 अगस्त को होगी। आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपके जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होने वाले हैं, बिल्कुल आप परीक्षा की तैयारी करते रहे। और देखिए, फाइनली आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, और हमने आप सभी से कहा था कि आपका एडमिट कार्ड जो है 12 या 13 में आएगा, लेकिन आपका एडमिट कार्ड आज ही आ गया, तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फिर आयोग बंद हो उससे पहले यहाँ पर पहले, चूंकि ये लग रहा था कि शायद 11 को रक्षाबंधन मनाया जाए, आज छुट्टी हो, उस वजह से हमने 12-13 बोला था, बट आपका एडमिट कार्ड आज आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपको पता चल गया कि हमारा परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, उसी तरह से आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे किस तरह से हमें परीक्षा केंद्रों पर जाना है। यहाँ पर देखिए, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोड़ा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखीमपुर, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी। इसमें प्रयागराज का नाम कहीं पर भी नहीं है, लखनऊ का नाम भी यहाँ पर देखें तो आप कहीं पर भी नहीं है। इसी तरह से कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर UP SSSC के सेंटर बनते ही बनते थे, लेकिन इस बार सेंटर वहाँ पर नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्जीवाड़ा रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और जो भी गलतियां त्रुटियां या जो भी खामियां रह जा रही हैं सिस्टम से, उसको भी दूर किया जाएगा, ताकि एक भी जो है फर्जीवाड़ा ना होने पाए। और इसमें जो है लगभग 650 या 655 पद हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले में, तो अच्छे खासे इसमें आवेदन भी आए थे, और इसमें लाखों अभ्यर्थी भी हो सकते हैं। अब तो ये देखना होगा कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन इसमें चाहिए तो, और एक्यूरेसी के साथ पेपर करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। नेगेटिव मार्किंग भले ही 1/4 क्यों न रहे, लेकिन उसका भी नुकसान तो होता है, कुछ भी नुकसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 27 जिलों में ये परीक्षा होने जा रही है, और ये जो परीक्षा है सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे
तक ये पेपर चलेगा और 21 अगस्त को ये पेपर होगा। प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र दिनांक 11 यानी आज से ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि और समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा नियंत्रक UP SSC लखनऊ। तो ये हो गई महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी के लिए, और आपके मन में कोई भी डाउट हो इस परीक्षा से संबंधित आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी तैयारी आप करते रहिए, और आप सभी के लिए हमारी शुभकामना है, आपके जो रिवीजन है अच्छे से होने चाहिए, प्रैक्टिस सेट आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल कम है, सब मिलाकर के 8 से 9 दिन का समय आप सभी के पास है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।